अस्सलाम वालेकुम मेरे बहनों और भाइयों, आप सबका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज यहाँ मैंने बनाई है चटपटी सी कलेजी। ईद आ रही है, आप ही बनाना। और ये देखो माशाल्लाह से कलेजी कितनी मज़े की बनी है। और आपके साथ में स्टेप बाई स्टेप वीडियो शेयर कर रही हूँ कि ये मैंने कैसे बनाई है। साथ इसके बनाई है मैंने रोटियाँ। और माशाल्लाह अभी हम करेंगे डिनर। ये देखें, ये बहुत ही इजी रेसिपी है और बहुत मज़े की है। आप ही बनाना और मुझे दुआओं में शामिल रखना। यहाँ मैं लेके आई हूँ कलेजी और ये गोट लिवर। कितनी फ्रेश फ्रेश है ये, आज इसको बनाते हैं। यहाँ ले लिया मैंने पानी। अब इसमें ऐड करूँगी सॉल्ट। 2 टेबलस्पून मैंने इसमें ऐड किया सॉल्ट। इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी और इसमें मैं डालूँगी ये सारी कलेजी। ये देखिए इसके अंदर कितना ब्लड और कितनी चीज़ें होती हैं। और इसको अच्छे से वॉश करूँगी और थोड़ी देर इसमें नमक वाले पानी में मैं इसको सोक होने दूँगी। तकरीबन 10 मिनट से मैंने इसको नमक वाले पानी में भिगो के रखा हुआ कलेजी को। और अब मैं इसको वॉश कर लूँगी। साथ ही मैं बना रही हूँ घी इधर। और अभी थोड़ी देर में इंशाल्लाह मैं कलेजी बनाऊँगी। अब इसको मैं वॉश कर दूँ अच्छे से खुले पानी में। इस तरह करने से एक तो कलेजी का सारा ये जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाती है और दूसरा ये बहुत अच्छी कुक होती है। यहाँ मैंने ले लिए हैं 2 प्याज और उनको मैंने रफली चॉप कर लिया है, इसे काट लिया है। और पैन में मैं डाल लूँगी ऑलिव ऑयल और इसमें मैं डालूँगी ये प्याज। बहुत अच्छी आवाज़ आ रही है यहाँ प्याज से, वो होता है वो होता है। अब हम इसको थोड़ा सा हल्का सा ब्राउन करेंगे। अब यहाँ हम करेंगे इस लिवर को मैरिनेट। इसमें मैं डालूँगी 1 टेबल स्पून योगर्ट और डालूँगी मैं 1 टीस्पून सॉल्ट और रेड चिली पाउडर, कश्मीरी चिली पाउडर, थोड़ी सी क्रश पेपर, करियंडर पाउडर और गरम मसाला, हल्दी पाउडर। ये सारी चीज़ें मैंने 1 टीस्पून डाल दी हैं। और इसके अंदर अब मैं डालूँगी ये लेमन। इस तरह बनाने से ये बहुत अच्छा कुक होता है। और साथ इसमें मैं डालूँगी जिंजर एंड गार्लिक। और इसको आपने मैरिनेट करके ज़्यादा देर रखना नहीं है, बस हमें जल्दी जल्दी कुक कर लेना है। सारे मसाले यहाँ मिक्स कर लिए, साथ मेरा प्याज भी ब्राउन हो रहा है। ये बहुत ही मज़े की रेसिपी है। स्पेशली लीवर आप जब इस तरह मैरिनेट करके बनाते हैं तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। ये बकरे की कलेजी है। आप एनी कलेजी को आप इसी तरह मैरिनेट करके बना सकते हैं। हमने ये जो मैरिनेट की हुई थी कलेजी, अब हम ये डालेंगे सारी इसके अंदर। प्याज के साथ इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। अब यहाँ हम कलेजी को अच्छे से भून लेंगे। मैंने सिर्फ अभी यहाँ प्याज ही डाला हुआ और जो कलेजी को मैरिनेट करके रखा था बस वो डालिए। और कोई मसाला अभी मैंने इसके अंदर और कुछ ऐड नहीं किया। ये देखिए कितनी मज़े की लग रही है। अब यहाँ मैं 2-3 ग्रीन मिर्चें भी ऐड कर दूँगी इसके अंदर। और साथ में ये टमाटर काट रही हूँ, अभी ये भी इसके अंदर ऐड करूँगी।
अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर। ये देखें प्लेटी माशाल्लाह से कितनी अच्छी है, ये देखें। अब इसमें हम ये एक बड़ा सा मैंने टमाटर काटा था, मैंने ऐड कर दिया और इसको हम तब तक भूनेंगे जब तक ये टमाटर गल नहीं जाते। ये देखें अब यहाँ मैंने कलेजी अच्छे से भून ली है, ये देखिए इसका ऑयल भी सेपरेट हो गया। कलेजी की कितनी अच्छी लुक हो गई है माशाल्लाह से और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब इसके साथ मैं बनाऊंगी रोटी। अब इसको मैं थोड़ी देर कवर करके रखूंगी और हल्की हीट पे सिमर होने दूंगी। माशाल्लाह से ये देखें कितनी अच्छी इसकी लुक आई है, खुशबू भी बहुत ही अच्छी है माशाल्लाह से। माशाल्लाह से यहाँ मेरी रोटियाँ भी बन गई हैं और कलेजी भी बन गई है। अब कलेजी को करूँगी मैं गार्निश धनिया के साथ और थोड़ा से अनियन और जिंजर के साथ। तो देखिए ये कढ़ाई कलेजी बहुत मज़े की है। बिस्मिल्लाह माशाल्लाह कलेजी तो ऐसे गल गई है, अमूमन सख्त सख्त हो जाती है कलेजी पर ये जरा भी सख्त नहीं हुई। और अभी ये रेसिपी फॉलो करना और मुझे दुआओं में शामिल रखना।